नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक सीरीज़ के एपिसोड नंबर 53 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प हमें क्या संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ प्राइस एक्शन के ऊपर अगर हम सबसे पहले देखें तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये ट्रायंगल पैटर्न्स बनाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बना, उसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे बन सकता है, जो कि ऑरेंज कलर की लाइन से आप देख पा रहे हैं। तो अगर इस तीसरे ट्रायंगल को फॉर्म होना है तो स्टॉक को 1400 रुपये के ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पिंक कलर की लाइन से एक ट्रायंगल बना, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बना, तो यहाँ काफ़ी सारे ट्रायंगल्स आपको अपने चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक्स जो कि ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि हमने निफ्टी सेटअप वाले एक वीडियो में भी चर्चा की थी कि निफ्टी जो है वो भी ट्रायंगल पैटर्न्स बनाता है, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न वाले स्टॉक या इंडेक्स होते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इन मूवमेंट्स को सही समय पे पहचान लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ट्रायंगल पैटर्न्स फॉर्म करने के अलावा अपने काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नज़दीक ट्रेड कर रहा है और इसने इसको एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी। तो क्या ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम सपोर्टेड था, वो हमें देखना पड़ेगा। जब भी कोई क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्टॉक नीचे या ऊपर जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम का बहुत महत्व होता है। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है तो डेफिनेटली वो जो है अपने मूव को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन अगर वो मूव वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो वो जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट है वो फेक भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो वॉल्यूम की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने अपनी जो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की सहायता से देखेंगे कि क्या ये मूव सस्टेन रहेगा, कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। अब दोस्तों, एक और बात जिसकी चर्चा हम काफ़ी बार अपने वीडियोस में भी करते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर हमें अलग अलग संकेत मिल सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें अलग संकेत दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा हमारा व्यू यही रहता है कि हमें मेजॉरिटी व्यू पे जाना है। तो यहाँ पे अगर हम हीरो मोटोकॉर्प को प्राइस एक्शन के ऊपर एक और दूसरे नज़रिए से देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो एक डाउन मूव के अंदर है, या जिसको कह लीजिए कि वो एक बियरिश फेस के अंदर है। यहाँ पे आप एक चैनल देख सकते हैं, ये चैनल जो है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये जो स्टॉक है ये एक डाउन मूव के अंदर है, एक बियरिश फेस के अंदर है। अब यहाँ पे दोस्तों, जो भी ऐसे स्टॉक होते हैं, पर्सनली मुझे वो काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि आप ऊपर की लाइन के नज़दीक सेल कर सकते हैं, नीचे की लाइन के नज़दीक बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर ट्रेंड की दिशा के ऊपर ही ट्रेड लिया जाए तो वो ज़्यादा जो है मुनाफे वाला ट्रेड होता है, ना कि ट्रेंड के विपरीत। तो यहाँ पे अगर हम इस चैनल की बात करें तो यहाँ पे हमें संकेत मिल रहा है कि ये जो स्टॉक है ये 2000 के आसपास तक जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको इस चैनल की नीचे की लाइन को टच करके बाउंस करना है तो इसे 2000 के लेवल तक आना पड़ेगा, और 2000 के लेवल के नज़दीक आके ये एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और उसके बाद ये स्टॉक लगभग 300 या 400 रुपए ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे किसी भी एक सेटअप या सिस्टम के ऊपर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी सेटअप या सिस्टम हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा जो कि काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आप कुछ स्टॉक्स के अंदर फिबोनाची का इस्तेमाल क्यों नहीं करते या फिबोनाची क्यों नहीं दिखाते। भाई, जो स्टॉक अपने एक जिसको कह लीजिए कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, या एक अपने ऑल टाइम लो के नज़दीक है, या जिसको कह लीजिए कि रीसेंट हाई के नज़दीक है या अपने रीसेंट लो के नज़दीक है, जैसे फिबोनाची वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नॉर्मली
पिछले 6 से 8 महीने का डेटा लेना पसंद करता हूँ। अगर पिछले 6 से 8 महीने के दौरान कोई स्टॉक मतलब अपने पिछले 6 या 8 महीने के लो या पीक के नज़दीक है तो वहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करने का ऐसा हमें वहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो मैं अगर फिबोनाची नहीं ड्रॉ कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको एनालिसिस के अंदर कंसिडर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फिबोनाची हमें कोई सही संकेत इस समय नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अपने पिछले लगभग 2.5 साल के लोएस्ट पॉइंट के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगले सेटअप या सिस्टम पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 200 और 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ किया है और ये जो स्टॉक है ये एक बियरिश फेज के अंदर है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दोस्तों एक खास बात जो कि मैं आपको काफ़ी बार पहले वाले वीडियोस में या निफ्टी सेटअप वाले वीडियोस में भी बता चुका हूं, जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेट होता है वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट ज़रूर दिखाता है। जैसे आपने निफ्टी के केस में देखा, अपने निफ्टी व्यू या निफ्टी सेटअप वाले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि निफ्टी जो है वो अपने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक कंसोलिडेट हो रहा था काफ़ी समय से। तो उस कंसोलिडेशन के बाद आपने देखा कि निफ्टी ने एक बड़ा डाउन मूव यहाँ पर दिखाया। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के केस में देख सकते हैं। इसने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक बड़ा मूव यहाँ पे दिखाया। तो मैं आपको जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 20 पीरियड के अराउंड जो भी कंसोलिडेशन होता है उसके बाद एक बड़ा मूव ज़रूर आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मूव आया उसके बाद। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूव हमेशा डाउन मूव होता है, ये मूव अप मूव भी हो सकता है, तो वो हमें अपने मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम की सहायता से पता करना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक की और 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में डेविएशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जब भी ये डेविएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके बाद स्टॉक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक ज़रूर जाने की कोशिश करता है। ये एक टिपिकल बिहेवियर है, आप बहुत बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसने फिर वापस 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक जाने की कोशिश करी, यहाँ पे फिर डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, इसने फिर यहाँ पे 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज का एनालिसिस देखें, ये एनालिसिस हमें बियरिश संकेत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब कि ये स्टॉक अपने जो रीसेंट डाउन मूव के काफ़ी नज़दीक है, अपने रीसेंट लो के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पे ये वापस जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि इस समय 2330 के आसपास है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले ही प्रोएक्टिवली बताना चाहूँगा कि काफ़ी दर्शकों को यहाँ पे शायद डाइवर्जेंस दिखनी शुरू होगी कुछ समय के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है या नहीं बनने की संभावना है। उसके पीछे कारण क्या है, मैं यहाँ पर रिसेंट डेटा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस पॉइंट को और लगभग इस पॉइंट को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप होता है, इस समय इनके बीच में लगभग 53 ट्रेडिंग सेशंस का गैप है, तो जितना ज़्यादा गैप होता है उतना ज़्यादा डाइवर्जेंस के फॉलो होने की संभावना सबसे ज़्यादा कम होती है। आइडियली मैंने देखा है कि डाइवर्जेंस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तब देती है जब ये गैप लगभग 20 या 40 मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 ट्रेडिंग सेशन का होना चाहिए। जो डाइवर्जेंस है वो 20 या 40 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान बन जानी चाहिए। अगर ये नंबर एक्सीड हो जाता है तो वहाँ पर डाइवर्जेंस के फॉलो होने की संभावना ऑलमोस्ट नील होती है। तो ये मैं आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहता था। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये बहुत बखूबी हेकिन एशी और स्टोकेस्टिक आरएसआई वाले सेटअप का इस्तेमाल करता है या उसको फॉलो करता है। अगर आप इसके बेसिस के ऊपर कोई ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा
हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉकिस्टिक आरएसआई इस समय ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको सभी रूल्स को फॉलो करना होगा जो भी आज तक मैंने आपको हेकिन एशी कैंडल से संबंधित बताए हैं। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर आपको हेकिन एशी कैंडल को कैसे रीड करते हैं या स्टॉकिस्टिक आरएसआई और हेकिन एशी के क्या रूल्स हैं उन सब के बारे में चर्चा की हुई है। तो आप उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे कोई बाय या सेल का निर्णय ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के अंदर रह सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इस समय अगर ये हमें 0-0 यहाँ पे रीडिंग्स दिख रही हैं तो इमिजिएटली ये जो स्टॉक है ऊपर जाना शुरू कर देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ समय तक ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट जोन के अंदर रहा था, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको हेकिन एशी के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, मैं इस महीने की ऑप्शन चेन नहीं देख रहा क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी है वो 2 दिन बाद है। तो अगर हम अगले महीने की एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान 2 बातों की तरफ दिलाना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि ये जो स्टॉक है ये ऑप्शन चेन में शायद इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या संकेत मिल रहा है। तो इस समय अगर आप कंपेयर करेंगे बॉटम अप एनालिसिस की सहायता से तो आप देखेंगे कि जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि 2000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किसी ने आज पुट बाइंग की है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर हम आज की डेट की बात करें तो किसी ने एक बड़ी पोजीशन यहाँ पे ली है, इसका मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है 2000 रुपये के नज़दीक आ सकता है। अब दोस्तों ऐसा ही संकेत हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था जो हम प्राइस एक्शन के अंदर चैनल की बात कर रहे थे, तो यहाँ भी हमने 2000 रुपये की बात की थी। तो जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस या कोई भी प्राइस पॉइंट हमें बार बार अलग सेटअप या सिस्टम पे दिखाई देना शुरू करे तो वहाँ पे उसके होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है अपने बॉटम के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ऐसी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बाउंस बैक होने से पहले ये जो स्टॉक है ये 2000 के लेवल को टच कर सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे कि ये जो डाउन मूव है ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये जो डाउन मूव था ये स्पेक्युलेटिव मूव था। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अगर BPCL का टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो देखा है तो आप पाएंगे कि काफ़ी समानताएं हैं हीरो मोटोकॉर्प और BPCL के टेक्निकल एनालिसिस में। वहाँ भी हमने देखा था कि वो जो स्टॉक है वो अपने चैनल की नीचे वाली लाइन को टच करने जा सकता है और मेरे ख्याल से आज उसने उस लाइन को टच कर भी लिया है। और वहाँ पे भी हमने देखा था कि वॉल्यूम की सहायता से जो मूव था वो डाउन मूव वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। वहाँ भी हमने देखा था कि ये जो मूव था ये स्पेक्युलेटिव मूव था। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं हमें दिखाई दे रही हैं हीरो मोटोकॉर्प और BPCL के टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पे अब हम जो है डेटा पॉइंट्स की सहायता से देखते हैं कि हमें क्या संकेत मिल रहा है। तो जैसा कि हमारा BPCL में भी एक सिमिलर कंक्लूजन था इस चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं टर्नओवर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी आप देखेंगे कि डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी एक्टिव नहीं हैं। तो सेम कंक्लूजन हमारा BPCL के टेक्निकल एनालिसिस में भी था कि ये स्टॉक भी इस समय अपने बॉटम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है, अगर आपका प्राइस नीचे जा रहा हो, टर्नओवर नीचे जा रहा हो, डिलीवरेबल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो और आपके बड़े प्लेयर्स अगर एक्टिव नहीं है, जो कि एक स्पेक्युलेटिव मूव हमें दिखाई दे रहा है इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी और BPCL के अंदर भी, तो ये एक संकेत होता है कि यहाँ से स्टॉक जो है उसके नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा
कम होती है वो अपने बिल्कुल बॉटम के ऑलमोस्ट नज़दीक होता है, तो वो हमें बॉटम जो है वो प्राइस एक्शन की सहायता से देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हमने BPCL में देखा कि वो भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और अपने नीचे वाली लाइन को टच करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि जा सकता है, और उसने आज टच किया भी उसको। तो वैसा ही कुछ संकेत हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर सेटअप या सिस्टम का, वो ये है कि ये जो स्टॉक है अपने बॉटम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये अपने बॉटम के जब नज़दीक पहुँच गया है तो यहाँ से रिवर्सल की संभावना बन सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर और ऑप्शन चेन की सहायता से कोई कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसका हम देखें कोरिलेशन निफ्टी के साथ, तो यहाँ पे हमें एज सच कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका निफ्टी के साथ कोई भी कोरिलेशन एज सच नहीं है। दोस्तों जहाँ तक ऑटो सेक्टर की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर जो है अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल भी ऑटो सेक्टर के रिवाइवल की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। पोजिशनल ट्रेड के लिए शायद मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा होती हैं। अगर हम यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसका जो रिटर्न है एक महीने का वो -10.86% है, जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लगभग बराबर है। एक साल की जहाँ तक बात करें, तो ये जो स्टॉक है ये अंडर परफॉर्मिंग है कंपेयर टू अपने इंडेक्स के मुकाबले। तो ये जो स्टॉक है टेक्निकली अगर देखा जाए, यहाँ पे इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है और इंडेक्स जो है वो ओवर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 30 दिन के अंदर इसने उतने ही रिटर्न दिए हैं जितने निफ्टी ऑटो ने दिए नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या पोजिशनल ट्रेड के लिए ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया, तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर दबाइएगा, ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियोस देखने पसंद हैं, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या हीरो मोटोकॉर्प में या इंडेक्स में किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाएं, बाय सेल या होल्ड की। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।